साल में एक ही बार जब रमज़ान आता है तो रमज़ान में ही बनता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, इसको बनाने के लिए तकरीबन 13 से 14 घंटा इसके पीछे मेहनत करना पड़ता है। ये देखिए, ऐसे हांडी पूरी भरी हुई ऐसे हलीम की होती है और इनको यहीं से पैकेट्स में बकेट्स में डाला जाता है और डालने के बाद भैया इसको प्योर घी डाला जा रहा है ऊपर। घी हलीम के डालने के बाद ऊपर से प्योर घी डाला जाता है और यहाँ घी की बाल्टी है, ये देखिए डाला गया है और उसके बाद प्योर घी इसमें डाला जाएगा। हाँ, थोड़ा सा रश दिखा दूँ आपको, कितना रश है हलीम के लिए। प्योर घी मैं एम शफीक अहमद, पिस्ता हाउस का मैनेजिंग डायरेक्टर। पिछले 2 साल के कोविड के वजह से बंद था, इस साल सब मतलब कोविड ख़त्म होने के बाद अभी इस साल रमज़ान में अच्छी तरह शुरू हुआ है पिस्ता हाउस अलीम। ये पिछले ये इंटरनेशनल ब्रांड है, पिछले 12 साल से बेंगलुरु में है लेकिन पिछले 2 साल से नहीं था कोविड की वजह से। अब इस साल शुरू किया गया है और इस साल ख़ास बात क्या है तो हमें जोमेटो और स्विगी से एक्सक्लूसिव टाइप कर लिए, मतलब उसमें अच्छा रिस्पांस है। आजकल पूरा ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा बिक रहा है, जितना काउंटर्स में से भी ऑनलाइन में ज़्यादा बिक रहे हैं, अच्छा ऑर्डर्स आ रहे हैं, वो ख़ास बात है। अब कहीं भी हमारे 10 सेंटर्स है पूरे सिटी में, जैसे कोरमंगला, HSR, बसनगुड़ी, आर टी नगर, मारथली, वाइट फील्ड, सब ये जगह सब हमारे इस फेदरटोन इसके ऑनलाइन पॉइंट्स बना दिया है जोमेटो के इसके, उसके लिए से ये सेल ऑनलाइन ज़्यादा है काउंटर सेल से भी। वही पिछले जो होता है मटन 70% होता है इसमें और स्पाइसेस 30% होता। तो मटन और चिकन दोनों नहीं, ओनली पिस्ता हाउस मेक ओनली मटन, चिकन नहीं बनाते हम। सेम टेस्ट वाइज नो डिफरेंस, द सेम टेस्ट, सेम क्वालिटी, सेम क्वांटिटी। कोविड लास्ट टाइम जो कोविड हुआ था तो पूरा सर्वे हैदराबाद में जो सर्वे चला, जो ओल्ड सिटी थी सिर्फ 5% कोविड आया। वजह उसके क्या बोले तो जब हलीम था, हलीम की वजह से भी एक वन ऑफ द रीज़न बताते हैं, दिस वन ऑफ द रीज़न बिकॉज 5% ही कोविड इफेक्टेड बाय इन ओल्ड सिटी बिकॉज ऑफ हाइजेनिक ये फूड, प्रोटीन्स वैल्यू, हाई न्यूट्रिशन वैल्यू प्रोटीन्स के वजह से लेस पीपल आर अफेक्टेड, इट इज़ नॉट ए रिकॉर्ड। मैं माजिद, आप देख रहे हैं आपकी आवाज़। जैसे हर लोग रमज़ान के लिए एक साल जब इंतज़ार करते हैं कि कब रमज़ान आता है, रमज़ान की बरकतें कब आती हैं, तो इसी तरीके से पिस्ता हाउस एक ऐसी चीज़ है जो एक साल में एक ही बार जब रमज़ान आता है तो रमज़ान में ही बनता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, इसको बनाने के लिए तकरीबन 13 से 14 घंटा इसके पीछे मेहनत करना पड़ता है। 13 से 14 घंटा मेहनत करने के बाद आपको इस तरीके की हलीम बनकर नज़र आती है। तो यहाँ पर तकरीबन हैदराबाद से जो कुक्स हैं वो हैदराबाद से आए हुए हैं, आकर यहाँ पर जो गुलिस्तान शादी महल में हर साल यहाँ पर आकर यहाँ पर किचन बनाते हैं और 10 से 15 अलग अलग जगह पर काउंटर बनाते हैं और यहाँ से रेडी होकर उन काउंटर को जाकर वहाँ से सेल होता है। और यहाँ के जो चीज़ें हैं, जो मसाला है, वो सारा का सारा हैदराबाद से आता है। सिर्फ गोश्त और लकड़ियाँ यहाँ पर इस्तेमाल की जाती है, बाकी का हर एक जो मसाला आता है वो हैदराबाद से लाते हैं। तो यहाँ के जो ओनर हैं उनसे बात करते हैं। तो सर बताइए, सर यहाँ पर जो हलीम तैयार होती है इसको बनाने में कितना वक्त लगता है? सर इसमें 12-14 आवर्स लगते हैं प्रोसेस में। तो यहाँ के जो कुक्स आए हुए हैं वो यहीं के हैं या हैदराबाद से आए हुए हैं? सब हैदराबाद से आए हैं। हैदराबाद से जी, आगे पर्शियन डिश है, वहाँ से हैदराबाद में आके एक ब्रांड बना है जो पिस्ता हाउस हलीम है, तो वहाँ से जो इसको हम बेंगलुरु लेके आए हैं।
अच्छा, तो इसको बनाने के बाद में जिसका जो पूरा प्रोसेस होता है, यहाँ पर पक्कर रेडी होता है, पक्कर रेडी होने के बाद में इसका पैकिंग सिस्टम का सब इधर ही होता है। अच्छा, ये जो यहाँ पर हो रहा है, ये पूरा पैकिंग सिस्टम होके यहाँ से जो भी आपके आउटलेट्स को कितने आउटलेट्स हैं सर यहाँ पर? हमारे बेंगलुरु में 10 से 12 आउटलेट हैं। और इस बार पता चला है कि पिस्ता हाउस की जो रेट्स थी पिछली बार, जो 2 साल पहले थी, उस रेटों में कहीं ना कहीं ज़्यादा नज़र आ रहा है, लोगों का कहना है। तो आप क्या समझते हैं सर? सर, पिछले 2 साल से हर चीज़ महंगी हुई है, डीजल से लेके गैस, तेल, अभी रिसेंटली तेल भी महंगा हुआ है, करंट बिल, सब कुछ, तो उतना ज़्यादा नहीं हुआ है। अभी समझिए, इस छोटी बॉटल का जो ये पैक कर रहे हैं, इसका कितना रेट हो रहा है सर? इसका यहाँ पे 300 to 330 grams है, इसका प्राइस है 250 rupees। अभी वो बड़ा वाला सर, वो बड़ा वाला उसका कितना है? ये आके 1.5 kg है जी, इसका प्राइस 1000 rupees है। 1.5 kg इसका प्राइस आके 1000 rupees। 1000 rupees पर बॉक्स? या अच्छा, कोई क्वांटिटी ज़्यादा लेना चाहे, मगर इफ्तार की दावत हो या हमारे व्यूअर्स में से कोई आए, तो कोई डिस्काउंट नहीं होगा? इंशाल्लाह आपके तरफ से आएंगे तो ज़रूर डिस्काउंट देंगे। अभी ये पैकिंग होने के बाद में फिर ये कब शुरू होता है सर प्रोसेस आपका? फिर जो हलीम बनने का जो प्रोसेस रहता है वो फिर आज रात को, फिर आज रात से ही शुरू हो जाता है, फिर कल दोपहर तक भी पकता ही रहता है। तो जैसे कि आप लोगों ने सुना, यहाँ पर हलीम का प्रोसेस जो है 13 से 14 घंटे चलता है, और उसके बाद भी लगातार यहाँ पर पैकिंग में हो, और पैकिंग होने के बाद डिलीवरी का हो, यहाँ से जो आउटलेट्स को जाता है उसमें फिर से टाइम लगता रहता है, और टाइम लगने के बाद में फिर रात 9 बजे से फिर हलीम की तैयारी शुरू होती है, तो फिर कल दोपहर तक बनता है। तो चलिए आगे की जो डिटेल्स हैं वो हम दिखाते हैं कि हलीम किस तरीके से बनती है। बोलिए, आप कहाँ से आए हैं? हैदराबाद से। हैदराबाद से जी। कब से शुरू किया है और क्या पका रहे हैं आप? 2011 से कर रहे हैं, दो कोविड की वजह से 2 साल बंद ब्रेक हो गया, फिर अब ये साल शुरू हो गया। तो ये बनाने में कितना टाइम लगता है? 14 घंटा लगता है। 14 घंटा जी। अभी इसके जो बनाने की चीज़ें हैं, आप हैदराबाद से आए हैं जी, तो यहाँ पर यहीं पे चीज़ें लेते हैं या हैदराबाद से चीज़ें? मसाला वगैरह पूरा हैदराबाद से आता है, यहाँ पे सिर्फ लकड़ी, गोश्त, पानी, फिल्टर पानी यूज़ होता है इसमें, हरी मिर्ची वगैरह जो भी है, हरा मसाला यहाँ बेंगलुरु से लेते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ पूरा हैदराबाद से आता है। कितने क्वान्टिटी में बन रहा है डेली यहाँ पर? यहाँ पर डेली 400 से 500 तक बनता है, सैटरडे संडे 1000 तक बन जाता है। डेली 400 बनता, सैटरडे संडे 1000 बनता है। तो ये कितनी देर तक रख के खा सकते हैं? अभी आप बनाते हैं यहाँ पर, दोपहर में बन के रेडी होता जी, है रात में शुरू हुआ, तो कब तक रख के खा सकते हैं? ये सुबह इफ्तारी तक चलता सर, शहरी तक चलता है, सुबह में शहरी तक जी, उसके बाद में नहीं चलता। फ्रिज में रख के खाए तो नहीं रहता, उसके बाद में भी नहीं खा सकते। कितने लोग आए यहाँ पे हैदराबाद से? हम लोग 25 जने हैं। 25 जने यहाँ पर एक ही जगह है या दूसरी जगह भी? यहाँ तो हम जो बनने का ब्रांच यही है मेन, यहाँ से आउटलेट में लेके जाते हैं, अब हमको एरिया नहीं मालूम, बाहर जाते हैं, 10 से 12 काउंटर कुछ है, वो लोग वहाँ लेके जाते हैं, यहाँ से हम बना के दे देते हैं, रेडी करके काउंटर में लेके जाते हैं जी।